कोरोना वायरस से हमारी रक्षा करने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दुनिया भर में स्वागत व सम्मान किया जा रहा है, ताकि इन योद्धाओं की हिम्मत और इनका हौसला सदैव कायम रहे। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने जीवनगढ़ इलाके में नगर निगम के सुपरवाइजर व सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया। सपा नेता सद्दाम अशरफी, मोहम्मद यामीन खान, फारूक मास्टर शेरा आदि ने सुपरवाइजर व सफाईकर्मी मोनू दीवान, अर्जुन, लकी, विकास, दीपक, सोनू, आकाश, मनजीत, आशु आदि लोगों का पुष्प वर्षा कर तथा मालाएं पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें उपहार दिए। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। इधर कार्यक्रम में शामिल लोगों ने आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। यहाँ के सभी हमारे जाके नगर के मेरे हम अमर साथी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी युवा साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारा हमारे कर्मचारियों का आप सभी लोगों ने स्वागत किया है, और हमारे सद्दाम भाई ने जो पैरवी की है स्वागत की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी जाकिर नगर के सभी युवा, सभी बुजुर्ग, सभी हमने साथी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमारा सम्मान किया। हम बहुत आपके आभारी हैं, और सदैव हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। अमर भाई हूँ, सद्दाम भाई ने जो आज हमारा सम्मान किया है, इसका मैं दिल से आभार दिलाता हूँ। मेरे सारे कर्मचारी और सभी लोग सद्दाम भाई के सम्मान का दिल से आभार करना है, और बहुत बहुत धन्यवाद सद्दाम भाई, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत नमन। स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, सफाईकर्मी तथा मीडियाकर्मी इन दिनों जान हथेली पर लेकर देश की रक्षा का भार उठा रहे हैं। ऐसे में इन महान योद्धाओं का जगह जगह सम्मान किया जा रहा है। अलीगढ़ से बबलू खान की रिपोर्ट।